सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल स्प्रेडशीट का फोल्डर कैसे चेंज करते हैं या उसको ड्राइव में किसी फोल्डर में मूव कैसे कराते हैं। ठीक है, गूगल शीट के ऊपर इससे पहले कई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गूगल शीट यहां पर ओपन है और अगर इस फाइल को हमें किसी नए फोल्डर में मूव करना है या फोल्डर चेंज करना है तो यहां देखिए, यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है स्टार के बगल में। ये देखिए, ये फोल्डर का ऑप्शन मिल रहा है। यहां पर जब कर्सर ले जा रहे हैं तो नीचे देखिए मूव लिख करके आ रहा है। ठीक है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो भी फोल्डर्स आपने ड्राइव में बनाए होंगे वो सारे फोल्डर यहाँ पर शो करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये नौकरी नाम के फोल्डर पे हमें ये फाइल मूव करनी है, तो सिंपल हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और नीचे देखिए मूव का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। सिंपल बस मूव के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आ गया, न्यू शीट हैज बीन मूव फ्रॉम माई ड्राइव टू नौकरी। ठीक है, अंडू का भी ऑप्शन है, अगर वापस करना चाहते हैं तो आप अंडू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फोल्डर चेंज भी कर सकते हैं और गूगल स्प्रेडशीट को किसी नए फोल्डर में मूव करा सकते हैं ड्राइव में। ठीक है।